थैंक यू बबीता। कैसी हो बहनों? नहीं नहीं आज मुझे सब्जी नहीं खरीदनी है। क्यों पोपट भाई, सब्जी बहुत फ्रेश है। हाँ एकदम फ्रेश। हाँ पर वो 2-3 दिन पहले मैंने 1.25 किलो सब्जी खरीदी थी ना, उसमें से भी आधी सब्जी फ्रिज में फ्रेश पड़ी है। ये पोपट भाई जैसे ग्राहक मिले ना तो मेरा सब्जी का धंधा बंद करना पड़ेगा। तो आपका धंधा बढ़ाने के लिए मैं अपना पेट खराब करूँ? मैं आदमी को जितनी भूख होगी उतना ही खाएगा ना। एक अकेले इंसान को कितनी सब्जी चाहिए? हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी सब्जी का बिल बढ़ाने वाली जल्दी से आपके जीवन में आ जाए। हाँ पवन भाई, ताकि हमें भी सब्जी खरीदने में और एक कंपनी मिल जाए। हाँ। और मेरा भी धंधा बढ़ जाएगा। भाई आप लोगों के मुंह में घी शक्कर, आप लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए मैं दिन रात प्रयत्न करता हूँ। मैं आज सुबह ही मैरिज ब्यूरो जाकर आया हूँ। हाँ इन्होंने बोला मुझे आप लोग गए थे। पोपटलाल भाई, आपको मैरिज ब्यूरो में से कोई प्रपोजल आया? नहीं कोमल भाभी, अभी तक कोई बात नहीं बनी। बनेगी, बात बनेगी, जरूर बनेगी। आप ही ना पोपट भाई, सकारात्मक सोचते रहना कि मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। पोपट भाई, दया भाभी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए ना, जैसे हम सबको रिनोवेशन के वक्त एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ा, पर हम हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, तो देखा हमारा रिनोवेशन कितने अच्छी तरह हो गया। वैसे ही आप भी सोचिए। Exactly. हाँ, और ऐसे ही एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। अरे रोशन भाभी, मैं बरसों से उस एक दिन का इंतजार कर रहा हूँ। पोपट भाई, माता जी की कृपा से वो शुभ दिन, शुभ घड़ी जल्दी ही आपके जीवन में आएगी। सच में आप लोगों से बात करता हूँ ना तो मेरा भारी मन हल्का हो जाता है, दिल एकदम खुश हो जाता है। ओके बहनों, मैं चलता हूँ। मैंने जो आइडिया सोचा है उसके लिए मुझे पोपट अंकल को यहीं पर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सोसाइटी में गया और अगर किसी ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, हेलो हेलो पोपट अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू बेटा, बोल बोल बोल। पोपट अंकल, आप अभी सोसाइटी में हो कि ऑफिस के लिए निकल गए? क्या हुआ, आप अकेले हो? अरे बेटा, मैं तो बरसों से अकेला हूँ। नहीं नहीं पोपट अंकल, वैसे नहीं, आपके आसपास कोई नहीं है ना? अच्छा ऐसे? नहीं नहीं कोई नहीं है। लेकिन टप्पू बात क्या है? पोपट अंकल, मुझे आपसे अभी अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग करनी है। अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग किस बारे में? वो पोपट अंकल, मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, बस आप जल्द से जल्द अपने सोसाइटी के पास जो कॉफी शॉप है ना, आप वहाँ पर मिलिए। और हाँ पोपट अंकल, ध्यान रखना कि अपनी ये अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग के बारे में सोसाइटी में किसी को पता ना चले। हाँ टप्पू, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। टप्पू को मुझसे कौन सी अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग करनी है? टप्पू बेटा, क्या हुआ? पर अंकल, क्या हुआ बेटा? तू कह रहा था तू फोन पर नहीं बता सकता, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अर्जेंट मीटिंग करनी है, क्या बात क्या है? पोपट अंकल, बात ही ऐसी है, मैं मेरे पापा मम्मी और दादाजी को नहीं बता सकता, इससे मैंने आपको बुलाया। ऐसी क्या बात है? पोपट अंकल, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। अरे भाई मदद करूंगा ही ना, उसे प्रॉमिस क्या करना? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस बस? नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप अपने छाते की कसम खा के प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। प्लीज पोपट अंकल। ठीक है, मैं अपने छाते की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी मदद करूंगा, अब बताएगा कि बात क्या है। हाँ पोपट अंकल, आज मैं कॉलेज में एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी मुसीबत? एक्चुअली मैं लेक्चर में बैठा था और हुआ यूँ कि, अरे बाप रे, ये तो सच में तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। पोपट अंकल मैं सच कह रहा हूँ, वो रॉकेट मैंने नहीं फेंका था, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ तो फिर तुम डरते क्यों, ये बात जेठालाल को बता दो। नहीं नहीं पोपट अंकल, ये बात मैं पापा को नहीं बता सकता, क्योंकि आज सुबह पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर कॉलेज में से मेरी कोई भी कंप्लेन आई तो पापा मेरा कॉलेज जाना बंद करा देंगे और मुझे दुकान पे बैठा देंगे, इसलिए मुझे पापा के सामने जाने में डर लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। टप्पू चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। जेठालाल से मैं बात करूंगा। नहीं 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 पोपट अंकल, नहीं, पापा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए, मैं बस चाहता हूँ मुझे मेरा आई कार्ड मिल जाए। तो मिल जाएगा ना? हाँ, तो उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे पापा बनकर मेरी कॉलेज में आना होगा। जेठालाल कैसे बन सकता हूँ,
मैं तेरा पापा बनकर तेरे कॉलेज नहीं आ सकता। अरे पोपट अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर आप मेरे पापा बनकर कॉलेज नहीं आए तो मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा, मैं कॉलेज ही नहीं जा पाऊंगा। वो जो भी हो बेटा ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। छाती की कसम खाकर अब ना बोल रहे हो, वो गलत नहीं है। हाँ लेकिन तू जो बोल रहा है वो ज्यादा गलत है। मैं छाती की कसम वापस लेता हूँ, मैं जेठालाल नहीं बन सकता। पोपट अंकल प्लीज, पोपट अंकल प्लीज। अरे क्या प्लीज प्लीज, अगर हम दोनों पकड़े गए ना तो तुम और फंस जाओगे, तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे, और फिर मैं जेठालाल और चाचा जी को क्या जवाब दूंगा। अब तक तो चाचा जी सिर्फ मुझे डिब्बा डिब्बा बोलते आए, ये सुनकर मुझे डिब्बे में बंद करके बाहर से ताला मार देंगे, और जेठालाल को मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन पोपट अंकल हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस प्रोफेसर ने पापा को बुलाया है वो पापा से मिले ही नहीं है, तो फंसने का कोई चांस ही नहीं है। प्लीज पोपट अंकल चलिए ना मेरे साथ। पोपट अंकल अगर आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। देखिए पोपट अंकल भगवान भी हमारे साथ ही है। टप्पू बेटा तूने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। पोपट अंकल प्लीज, पोपट अंकल प्लीज। ठीक है मैं तेरा पापा बनने के लिए तैयार। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। अब क्या पोपट अंकल? भाई मैं जेठालाल से काफी यंग हूँ, मैं तो पिछले साल ही कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट जैसा लगूंगा। हाँ तो पोपट अंकल उस प्रॉब्लम का भी सलूशन है हमारे पास। क्या? हम आपके बाल व्हाइट कर देंगे। मतलब आपके थोड़े थोड़े बाल हम व्हाइट कर देंगे व्हाइटनर से, ताकि आप इतने यंग ना लगो। तो ठीक है, तो पोपट अंकल चलिए चलिए जल्दी चलते, 4 बजे से पहले हमें कॉलेज पहुँचना है। लेकिन टप्पू ये कपड़े चलेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए, इसमें मैं व्यापारी लगूंगा। हाँ करेक्ट करेक्ट, मैं काम करता हूँ, फटाफट घर जाके कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, लेकिन पोपट अंकल संभालना, सोसाइटी में किसी को पता ना चले। टप्पू चिंता मत करो, एक बार पत्रकार पोपटलाल अपनी जबान किसी को दे देता है तो फिर चाहे उसकी जबान कट क्यों ना जाए वो बात बाहर नहीं आती। यस यस पोपट अंकल, मैं बाहर ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बस मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी जल्दी पोपट अंकल। हे भगवान मुझे माफ कर देना, मुझे पता है मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे वाह सूट तो अच्छा लग रहा है। मैं जेठालाल ना सही लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक जरूर लग रहा हूँ। हेलो मैं हूँ पत्रकार, मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा, और ये है मेरा बेटा टप्पू। ये भगवान लाज रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। चलो लेट हो रहा है, लेट हो गया। हेलो हेलो पोपटलाल जी। हाँ मैं लता, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए लता जी। पोपटलाल जी आपके लिए गुड न्यूज है। अच्छा? हमने आपका बायोडाटा एक लड़की के घर वालों को भेजा था और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई आया है। क्या? उनको आपका बायोडाटा पसंद आया और लड़की वाले आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। अच्छा हाँ तो बताए बताए कब मिलना है। ठीक है 1-2 घंटे बाद का टाइम फिक्स कर देती हूँ। हाँ ओके ओके। नहीं 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 अभी तो मुझे कॉलेज जाना है। आप कॉलेज जाते हैं? नहीं वो मैंने बताया ना मैं पत्रकार हूँ, मैं कॉलेज पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो थोड़ा अर्जेंट है। वहाँ से फ्री होते होते मुझे 4:30-5 हो जाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, शाम को 6 बजे का टाइम फिक्स कर देती हूँ। आप शाम को 6 बजे सनराइज होटल में पहुँच जाइए, लड़की के घर वाले आपको वहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है चलेगा। लता जी वैसे उनका नाम क्या है? मिस्टर एंड मिसेज आहूजा, उनके पिता का नाम है आनंद आहूजा और उनकी माता का नाम है प्रिया आहूजा और उनकी बेटी का नाम है नलिनी आहूजा। नलिनी? अरे वाह मस्त नाम है। अच्छा लता जी मैं नलिनी जी को पहचानूंगा कैसे? डोंट वरी, उनके पास आपका बायोडाटा और फोटो है, वो आपको पहचान लेंगे। वाह 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 थैंक यू लता जी थैंक यू। और मिस्टर पोपटलाल जी हाँ? जब आप लड़की वालों से मिलने जाए ना तो अपने भैया भाभी या अपने परिवार वालों में से किसी को लेकर जाना, जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आगे की बातचीत भी आसानी से होगी। श्योर श्योर वंस अगेन थैंक यू लता जी, सच में आपके मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप रिन्यू करवा के मैंने सही डिसीजन लिया है, किसी और ने आज तक मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। आपके मैरिज ब्यूरो के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे क्लाइंट की खुशी में ही हमारी खुशी है। वाह बस आज अब वक्त पर पहुंच जाना,
क्योंकि कल लड़की के माँ बाप आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वक्त से पहले पहुँच जाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट पोपटलाल जी। थैंक यू लता जी, थैंक यू। सुना, ऊपर वाले ने टप्पू की दुआ सुन ली और लड़की वालों को मेरा भाव बेटा पसंद आ गया। क्या बात है पोपटलाल जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप तो। आपको पता है कि अब ये जगह खाली नहीं रहने वाली है। लेकिन भाई भाभी, मैं भाभी से बोलता हूँ, वो कभी मना नहीं करेंगी। अरे चलो चलो पोपटलाल चलो। बापूजी, अभी आपकी खांसी कैसी है? पहले से कम है बाबू। वैसे ये ठंडी गर्मी की ऋतु में खांसी हो ही जाती है। एक काम करती हूँ बापूजी, आपके लिए एक ग्लास गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, ले। दे भाभी। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? वो थोड़ा अर्जेंट है इसलिए। क्या अर्जेंट बात है? और सूट बूट में आए हैं, कोई खास बात है पोपट भाई? दया भाभी, चाचा जी गुड न्यूज है। मुझे अभी अभी मैरिज ब्यूरो से फोन आया है कि लड़की वालों को मेरा बायो डेटा पसंद आ गया है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त खुशखबर है नहीं बापू जी? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें चिल्ला क्यों रहा था? वो चाचा जी, दरअसल लड़की वालों को अभी शाम को 6 बजे सनराइज होटल में मिलने जाना है। और दया भाभी, मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि आप शाम को मेरे साथ चलेंगी ना? नहीं। अरे कोई अपनी बहन से पूछता है क्या? अरे मैं जरूर आऊंगी पोपट भाई। डरा दिया था आपने तो। दया भाभी, एक और रिक्वेस्ट है। अरे पोपट भाई, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप दूल्हे राजा बनने वाले हैं, आपको ऑर्डर करना चाहिए, ऑर्डर। वो मैरिज ब्यूरो वालों ने कहा है कि मेरे साथ अगर मेरे भाई भाभी या परिवार वाले होंगे तो लड़की वालों से बात करने में आसानी होगी। हाँ। तो आप जेठालाल से रिक्वेस्ट कर सकती है कि शाम को वो भी हमारे साथ चले। वो नो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नो। अरे पोपट भाई, ये हमारा फर्ज है, जरूर आएंगे। हाँ पोपट, तू चिंता मत कर, जेठिया भी तेरे साथ जरूर आएगा। बहू, तू अभी के अभी जेठिया को फोन कर और उसे बोल कि उसके सारे काम छोड़ दे और तुम दोनों पोपट के साथ लड़की वालों से मिलकर आओ। जी बापू जी। हाँ। क्या हुआ चाचा जी, तबियत ठीक नहीं है? ठीक है, थोड़ी सी खांसी है और। अच्छा, ध्यान रखिएगा। हाँ बोल दे यार। टप्पू के पापा, एक अर्जेंट काम है। अर्जेंट? कोई टेंशन है? नहीं नहीं, एक खुश खबर है। वो मैरिज ब्यूरो में लड़के के परिवार वालों को पोपट भाई का वो बायोडाटा, बायोडाटा पसंद आ गया है। ओहो, अरे दया, बायोडाटा नहीं, बायोडाटा। हाँ वही तो, लड़की वाले पोपट भाई को मिलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो मेरा ऑलवेज़ काम करेगी है। हैं? कुछ नहीं। हाँ तो देखिए, पोपट भाई अभी हमारे घर पर आए हैं और हमें उनके साथ लड़की देखने के लिए शाम को 6 बजे जाना है, तो तब तक आप दुकान का सारा काम खत्म करके रेडी रहना। हाँ, मैंने हम दोनों की तरफ से उनको हाँ बोल दी है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आऊंगा, पर कहाँ जाना, कहाँ है? हाँ एक मिनट, चलो रुकिए पोपट भाई। ओ, होटल का नाम क्या बताया? लड़की वाले को कहाँ मिलना है? लाइए लाइए, मैं बात करता हूँ जेठालाल से। हेलो जेठालाल। अरे भाई पोपट लाल, मुबारक हो, बधाई हो भाई, बधाई हो। थैंक यू। लेकिन भाई पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। अरे भाई, रिश्ता फिर पक्का हो ना हो कोई गारंटी नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला अभी पहले ही बधाई दे देता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, होगा होगा, जरूर होगा। वो हमें शाम को 6 बजे लड़की वालों को सनराइज होटल में मिलना है। मैं ठीक 5:30 बजे दया भाभी को पिकअप करके तुम्हें लेने आता हूँ। अरे ये बहुत बढ़िया किया, वो सनराइज होटल यहाँ से पास में ही है, बराबर है, तो तुम दोनों यहाँ आ जाना, फिर यहाँ से हम तीनों निकल जाएंगे। मैं 5:30 बजे रेडी रहूंगा और तुम लेट मत करना। हाँ इस काम के लिए मैं लेट कैसे हो सकता हूँ भाई? ठीक है ओके, तो मिलते हैं फिर। हाँ ओके। भगवान करे जैसे पोपटलाल का बाइक और डाटा लड़की को पसंद आ गया, वैसे पोपटलाल भी लड़की को पसंद आ जाए और उसका रिश्ता पक्का हो जाए। थैंक यू दया भाभी, चाचा जी थैंक यू। हेलो हेलो पोपट अंकल। हाँ बोल टप्पू। टप्पू भाई बोले पप्पू भाई। पोपट अंकल कहाँ रह गए, मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ मुझे भी लेट हो रहा है, आप वहीं रुकिए, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। पोपट अंकल जल्दी प्लीज जल्दी। ओके बाय।
चले मैं चलता हूँ। अरे अरे सुन, वो लड़की वालों के वहाँ तो 6 बजे जाना है ना, तो अभी ये सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा है? वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज? ये कहाँ है? वो एक कंपनी है, उसका नाम कोले है, कोले कंपनी। कोले? ऐसा कैसा नाम? अजीब। हाँ, कैसा नाम है? यही जानने के लिए कि ये कंपनी का नाम ऐसा क्यों रखा, कब रखा, मैं वो कंपनी के मालिक है पप्पू जी, उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। हाँ, बाद में मुझे भी बताना कि ऐसा क्यों नाम रखा है ये कोले। हाँ जरूर बताऊंगा दया भाभी, आप तैयार है ना, मैं फटाफट काम निपटा के आपको लेने आता हूँ। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। हाँ फते कर, फते कर। थैंक यू, थैंक यू। यार पोपट अंकल कहाँ रह गए? टप्पू बेटा, पोपट अंकल कितना लेट कर दिया पोपट अंकल आपने। सॉरी सॉरी टप्पू बेटा, थोड़ी गड़बड़ हो गई, मुझे अचानक मैरिज ब्यूरो से फोन आ गया और मुझे अर्जेंट लड़की देखने जाना है। मतलब आप मेरे पापा बनकर कॉलेज नहीं आ रहे हो? नहीं 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 बेटा, मैंने तुझे जबान दिया तो कैसे नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे वहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ पोपट अंकल, वहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बस मेरी मैम को मिल लीजिए, मेरी मैम मुझे आईडी कार्ड दे देंगे, अब फटाफट निकल जाना। हाँ भाई फटाफट ही निकलना पड़ेगा वरना बैंड बज जाएगी। ए, पोपट अंकल आपका बैंड तो जरूर बजेगा। क्या बोल रहे हैं? मतलब शादी वाला बैंड पोपट अंकल। तो अच्छा अच्छा, आप जरूरत में किसी की मदद कर रहे हो तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा ना। थैंक यू बेटा, उसी आस पर तो मेरी दुनिया कायम है। चल चल जल्दी निकलते हैं। पोपट अंकल ये व्हाइटनर तो लगा लीजिए। व्हाइटनर? हाँ लेकिन टप्पू बेटा मुझे वहाँ से फिर मैरिज ब्यूरो जाना है, ये व्हाइटनर निकलेगा तो सही ना? अरे हाँ पोपट अंकल, ये व्हाइटनर 2 मिनट में निकल जाएगा, सही लगा देता हूँ। हाँ तो फिर चल, बहुत लेट हो गया, रिक्शा में लगा लूंगा। चल हाँ ठीक है ठीक है। काफी देर हो गई यार, टप्पू अब तक नहीं आया। हाँ लास्ट लेक्चर शुरू होने वाला होगा, चलो हम लोग भी जाते हैं। यार टप्पू आज उसके पापा को नहीं लेके आना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आ गया टप्पू। लेकिन पोपट अंकल, तू चल मैं पैसे देकर आता हूँ। कहीं टप्पू पोपट अंकल को तो उसके पापा बना के तो नहीं लाया है? चलो देखते हैं। चल चल चल। टप्पू ये पोपट अंकल तेरे साथ? पोपट अंकल नहीं फ्रेंड्स, पापा। क्या फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, पापा को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और जिस मैम ने हमें बुलाया है वो मैम कॉलेज में नए, वो मेरे पापा को जानते ही कहाँ है, बस किसी भी तरह मेरा आईडी कार्ड मुझे मिल जाए। हेलो बच्चों। हाय पोपट अंकल। अरे अंकल नहीं, सिर्फ अंकल। ओके अंकल। हाय अंकल। हाय अंकल। अच्छा फ्रेंड्स कुछ पता चला वो रॉकेट किसने फेंका था? नहीं यार कुछ पता नहीं चला है, हम कब से सबको वही पूछ रहे हैं। अरे चलो भाई पूछताछ बाद में करना, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हां चलो चलो अंकल। पापा 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 चलिए पापा चलिए 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 चलो चलो। अंकल 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 छाता दीजिए। क्यों पापा? अब पापा हो ना मेरे, तो मेरे पापा थोड़ी पूरा दिन छाता लेकर घूमते हैं। लेकिन मैं अपना छाता नहीं छोड़ सकता। पोपट अंकल टेंशन मत लीजिए, मैं आपका छाता एकदम संभाल के रखूंगा। हाँ पक्का 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 पोपट अंकल। अरे तू क्या कर रहा है? देख गोली, ये छाता मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, तू प्लीज इसे संभाल के रखना। अंकल मैंने बोला ना मैं संभाल के रखूंगा, आप बस वहाँ संभाल लेना। हाँ पोपट अंकल। अरे भाई तू टेंशन मत ले, बचपन में मैंने बहुत नाटकों में हिस्सा लिया है और लगभग मुझे पापा का ही रोल मिलता था, देख लो सब परफेक्ट होगा। दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान के भीतर का एक्टर छुपा होता है, और जैसे ही एक्टिंग का मौका आए वो एक्टर बाहर कूद पड़ता है, लेकिन असलियत में जब कैमरा ऑन हो जाए या स्टेज पर पर्दा खुलने वाला हो तब अच्छे अच्छे तुरम खा की हालत खराब हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, फंबलिंग होने लगती है, डायलॉग मुंह से निकलते नहीं, आदमी अपने किरदार का नाम भूल जाता है और तो और ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। कहीं यही हाल जेठालाल बने पोपटलाल का ना हो जो टप्पू की मदद करने के लिए कॉलेज में पहुंचे। भाई अब देखना यह है कि पोपटलाल अपना किरदार ठीक ढंग से निभा पाते हैं या नहीं, या फिर कहीं टप्पू की पोल ना खुल जाए पोपटलाल को जेठालाल बना के कॉलेज में लाने की। भाई कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ पे है, पोपटलाल जेठालाल बन के आए ये सोच सोच के हंसी आ रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा, जो भी होगा होगा बड़ा हंगामेदार, पोपटलाल के लिए भी आपके लिए भी, यहाँ चाहे जो हंगामे हो वहां ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। टप्पू कहाँ है तेरी मैडम? पता नहीं, इनको पूछते। नलिनी मैम कहाँ है?
मैडम अभी लेक्चर में। ओके थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, कभी आएगी नलिनी मैडम, भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है। पोपट अंकल लेक्चर खत्म होने का टाइम है, मैम अभी आते ही होंगे। अरे गुड इवनिंग मैम। मैम आ गए। पोपट अंकल संभाल लेना। टप्पू तेरी मैम की शादी हो गई है? पोपट अंकल इंस्पेक्टर पोपट अंकल नहीं, मेरे पापा हो प्लीज। हाँ सॉरी 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 मैम। टप्पू आ गए तुम? यस मैम। मैम ये मेरे पापा है। पापा मैम। हेलो आइए मेरे कैबिन में। बैठे बैठे। थैंक यू। टप्पू तुम ही बैठो। थैंक यू। तो आप हैं टप्पू के पापा? जी मुझे बनाया है। मतलब यही है मेरे पापा? जी हाँ मायसेल्फ पत्र। इस पुत्र का पिता मैं श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ। तो मिस्टर जेठालाल आप जानते हैं आपके बेटे ने आज क्लासरूम में क्या किया है? जी जी मैडम टप्पू ने बताया मुझे, लेकिन टप्पू ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि टप्पू कभी झूठ नहीं बोलता, मैं इसके परिवार को बरसों से जानता हूँ। टप्पू का परिवार? क्या मतलब आप और टप्पू अलग अलग परिवार से हैं? नहीं नहीं मतलब एक ही परिवार है। मेरा मतलब है कल को टप्पू बड़ा होगा, उसकी शादी होगी। टप्पू बेटा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरी शादी वक्त पर हो जाए। पापा क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कल को टप्पू की शादी होगी तो उसका अपना खुद का एक अलग परिवार होगा ना, तो उस परिवार में भी मैडम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा, ये हमारे परिवार के संस्कार है। बराबर ना टप्पू? हाँ पापा। आप काफी आगे की सोचते हैं। हम आगे की सोचेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा ना। फिलहाल देश के नहीं टप्पू के बारे में सोचिए। अगर कॉलेज में ये ऐसे ही बिहेव करता रहा तो आई एम वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। मैडम अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर। टप्पू ने आप पर जो रॉकेट फेंका था? पापा मैंने रॉकेट नहीं फेंका। हाँ मतलब वो रॉकेट जो आपको लगता है कि टप्पू ने आपके ऊपर फेंका था, लेकिन टप्पू को लगता है कि उसने नहीं फेंका था। पापा लगता है क्या? कंफर्म नहीं फेंका। अरे हाँ बेटा मेरा सवाल तो पूरा होने दे। सॉरी। तो वो रॉकेट आपको लगा था? नहीं। कंफर्म? तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि वो रॉकेट टप्पू ने नहीं फेंका है, क्योंकि टप्पू कभी अपना निशाना नहीं चूकता। क्या? हाँ, क्योंकि टप्पू जब भी हमारी सोसाइटी में क्रिकेट खेलता है तो बोल बोल के खिड़की के कांच तोड़ता है कि अभी ये कांच तोड़ूंगा अभी ये कांच तोड़ूंगा, तो वो सिर्फ एक पेपर के रॉकेट का निशाना कैसे चूक सकता है? तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। मिस्टर जेठालाल ये पेज इसी नोटबुक का है, इसमें जो हैंडराइटिंग है वो भी इसी की है, और ये जो कोना फटा हुआ दिख रहे हैं ना आप, ये फटा हुआ कोना इस पेज से मैच करता है। और कोई सबूत चाहिए आपको? इंटरेस्टिंग मैडम, ऐसे कई केसेस है जिसमें सारे सबूत मुजरिम के खिलाफ होने के बावजूद वो बेगुनाह होता है, पर एक पत्रकार होने के नाते मैं छाता ठोक के कह सकता हूँ कि टप्पू बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है। आप पत्रकार हैं? नहीं हमारी तो दुकान है ना टप्पू? हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ और हमारी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस रोज आता है, उसमें मैंने कई सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े हैं। आप भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हो? हाँ मैं ही तो मैं ही क्या सब पढ़ते हैं, तूफान एक्सप्रेस का बहुत बड़ा सर्कुलेशन है। हाँ है ना? देखिए मिस्टर जेठालाल मुझे आपको कॉलेज में बुलाने का एक ही मकसद था कि आपको एज अ पेरेंट मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या शरारत। मैम मैं सच कह रहा हूँ रॉकेट मैंने नहीं फेंका मैम। इनफ इज इनफ टप्पू, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मिस्टर जेठालाल मुझे लगता है आपके लाड़ प्यार की वजह से ये शरारती बन गया है। एक्सक्यूज मी कैन आई टेक द कॉल? या हाँ पोपटलाल। हाँ बोलो जेठालाल।
जेठालाल बोल रहा हूँ, बोलो। अरे मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना भाई, फोन क्यों किया है? हाँ फोन मैंने इसलिए किया कि अभी क्या है कि तुम और दया या दुकान पे मत आना, डायरेक्ट होटल पहुँच जाना। क्या मुझे एक पार्टी से मीटिंग करने जाना है, तो मीटिंग करके मैं भी सीधा होटल पे पहुँच जाऊंगा। 5-10 मिनट थोड़ा लेट होगा लेकिन पहुँच जाऊंगा जरूर, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी लास्ट मिनट कुछ चेंज मत करो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेंगे। वहाँ मीटिंग में 1 मिनट की देरी भी नहीं चलेगी। अरे 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, तुम वहाँ जाके चाय कॉफी मंगाओगे तब तक तो पहुँच जाऊंगा मैं। अरे समझा करो जेठालाल, ने जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, जो तय किया है वही करेंगे। प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मैं मीटिंग में हूँ। सॉरी। तो क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि आपके ही लाड़ प्यार की वजह से ये शरारती बन गया है। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैम मैं कम इन? नॉट नाउ, आई एम इन अ मीटिंग। एक्चुअली मैम क्लास में आप पे जिसने रॉकेट फेंका था उसके बारे में सुचिता सब जानती है। यस मैम। प्लीज कम इन। आ जाओ आ जाओ। हाँ बोलो सुचिता, क्या जानती हो तुम? मैम रॉकेट फेंकने की साजिश रॉकी और विक्की की थी। मैम रॉकी को कैंटीन में टप्पू की नोटबुक से पन्ना फाड़ कर चुराते हुए मैंने देखा था। और विक्की ने उसी पन्ने का रॉकेट बनाकर फेंका। ताकि टप्पू पकड़ा जाए और उसे सजा हो। मैम वो दोनों कॉलेज में टप्पू की पॉपुलैरिटी से बहुत जलते हैं। देखा मैडम, मैंने कहा था ना टप्पू बकासुर है, बेकसूर है। आ गया ना सच बार। वैसे तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? मैम मैं एक्स्ट्रा क्लास में थी, अभी जब क्लास के बाद जब सोनू से सारी बात पता चली तो मैं आपको सच बताने आई। तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? हो सकता है तुम टप्पू को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैम हमारे पास सबूत है। गोली। रॉकी विक्की मैम को सब कुछ सच सच बता दो। सॉरी मैडम, हमने ही टप्पू को फंसाने के लिए उसकी नोटबुक से पन्ना फाड़ा था और मैंने ही उस पन्ने का रॉकेट बना के फेंका। व्हाट? हाँ। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। व्हाट सॉरी? तुम दोनों की वजह से मैंने टप्पू पे शक किया, उसके फादर को यहाँ ऑफिस में बुलाया, उनका टाइम वेस्ट किया। शेमलेस, अपने आई कार्ड्स दो और कल अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आना। नहीं नहीं मैम, आप इन्हें माफ कर दीजिए, मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। वाह 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 टप्पू बेटा, वाह वाह। शेम ऑन यू, तुम दोनों इसे फंसा रहे थे और ये तुम्हें बचा रहा है। सीखो सीखो कुछ टप्पू से। सॉरी टप्पू, हमें माफ कर देना। हाँ यार सॉरी डॉक्टर। इट्स ओके, यू ऑल मे गो नाउ। वेरी गुड पिंकू, वेरी गुड गोली। थैंक यू सोनू, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। टप्पू मुझे माफ कर दो बेटा। मैम आप हमारे गुरु, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे सॉरी बड़ा बोलता है या छोटा वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि अपनी गलती का स्वीकार करें और माफी मांगे। वाह वाह वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। आजकल ऊपर वाले ने आप जैसे लोगों को बनाना ही बंद कर दिया है। नहीं नहीं प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, काम छोड़कर यहाँ कॉलेज आना पड़ा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। नो नो प्रॉब्लम। हाँ पापा। नलिनी पुत्र, मैं कब से तुझे फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, तू फोन नहीं उठा रही है। पापा मैं लेक्चर में थी और अभी मीटिंग में हूँ, कोई अर्जेंट है? ओए दरअसल बात यही है पुत्र कि मैंने और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए एक पढ़े लिखे लड़के का बायोडाटा पसंद किया है।
हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी भी बायोडेटा में इंटरेस्ट नहीं है। अरे पुत्र, पूरी गल तो सुन ले, मुझे और तुम्हारी मम्मी को उस लड़के का बायोडेटा पसंद आ चुका है, इसलिए हमने तुम्हारी इस लड़के के साथ फेस टू फेस मीटिंग अरेंज की है। पुत्र, एक बार तू उस लड़के से मिल ले, शायद तुझे भी वो लड़का पसंद आ जाए। हम बेटा, वो लड़का पढ़ा लिखा है और पत्रकार है। अरे तेरी सोच से बिल्कुल मैच करता है। अब तू ना नहीं करना बेटा, प्लीज। ओके मामा, आप लोगों को सब सही लगता है तो मैं एक बार मिल लेती हूँ। हाँ ऐसा करना, तो कॉलेज से जल्दी आ जाना और फ्रेश होकर 6 बजे सनशाइन होटल में आ जाना। ओए सनराइज सनराइज सनराइज। ओके ओके, मैं और तेरे पापा वहीं पे मिलेंगे, ठीक है? बाय बेटा। ओके बाय मामा, बाय। अरे ये ना, और तो तुसी चलो जल्दी, तैयार होना है, जाना है। सॉरी घर से फोन था। नो नो इट्स ओके, तो हम चले। ओके हाँ, एक मिनट टप्पू, तुम्हारा आई कार्ड और ये बुक। और टप्पू, तुम्हारे पापा को तुम पे खुद से ज्यादा विश्वास है, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना बेटा। यस मैम, मैं मेरे पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। वैसे टप्पू, तुम्हारे पापा पापा कम, तुम्हारे दोस्त ज्यादा लगते हैं। हाँ मैडम, वो कहावत है ना कि जैसे ही बाप के पैर के जूते बेटे के पैर में आने लगे, उसे बेटा नहीं दोस्त समझना चाहिए। हाँ, मेरा और पापा का रिलेशन कुछ ऐसा ही है। वैसे मैडम, मैंने और इसकी माँ ने टप्पू को ऐसे बड़ा किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। वेरी नाइस, ऐसे ही माँ बाप होने चाहिए। वैसे क्या नाम है टप्पू की मम्मी का? दया भाभी। मतलब नाम दया है लेकिन सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी कहते हैं। हाँ स्वीट टप्पू, एक बार तुम अपनी मम्मी से जरूर मिलवाना। यस मैम, श्योर, एनी टाइम। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ पोपट भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। टप्पू की मम्मी का फोन है, वो मैंने अभी बताया ना, सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी बुलाते हैं, तो मैं भी कभी कभी दया भाभी बुला लेता हूँ मजाक में। अच्छा, हो सकता है वो टप्पू की वजह से टेंशन में हो। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बात कर लूंगा, आई विल मैनेज। एक्सक्यूज मी, हम बोलिए। हाँ पोपट भाई, अरे मैं कब से सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में आपकी राह देख रही हूँ, आप कब आ रहे हैं? मैं बस पहुँच ही रहा हूँ, आप वहीं मेरा इंतजार कीजिए। हाँ जल्दी आइए, देखिए लड़की देखने जाने में टाइम पे पहुँचना बहुत ही जरूरी है। हाँ ओके ओके ओके। टप्पू बेटा, हमें हाँ। चलना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ पापा, मैं बस अभी निकल रही हूँ, मैं सनराइज होटल पहुँचती हूँ। थैंक यू, बाय। चल 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 टप्पू, चल जल्दी चल, बेटा 5:30 बज गए, बहुत लेट हो गए। फ्रेंड्स, सच्चाई की जीत हुई फ्रेंड्स। वो विक्की और रॉकी ने तो मुझे टेंशन दे दिया था, लेकिन मिशन पापा सक्सेसफुल रहा, मुझे मेरा आईडी कार्ड मिल गया। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू पोपट अंकल, आपने क्या एक्टिंग की है। पोपट अंकल, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ भी होना तो आप ही मेरे पापा बनना। हाँ पोपट अंकल, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ ना तो आप ही मेरे पापा बनना। क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? अरे मजाक कर रहे हो बच्चों, ये मजाक की बात नहीं है। प्यार जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। टप्पू बेटा, आज तो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन अगली बार नहीं करूंगा, जो गलत है वो गलत है। यस यस पोपट अंकल, I'm sorry, लेकिन thank you. चलो चलो, लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। गोले, क्या हुआ? मेरा चाचा कहाँ है? रहे ना पोपट अंकल, ये रहा, संभाल के रखा है। थैंक यू थैंक यू। चलो चलो, लेट हो रहा है, दया भाभी को लेकर सनराइज होटल पहुंचना है। पोपट अंकल, आपके लिए रिक्शा भी रेडी है। थैंक यू गोली बेटा, थैंक यू। चलो चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे पोपट अंकल, अरे अरे पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल, आप मेरे पापा बने थे, ये सोसाइटी में पापा मम्मी या दादाजी को किसी को पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि पता चला तो मेरी बहन बच जाएगी। अरे तेरी क्या, मेरी भी बहन बच जाएगी, तू चिंता मत कर, जेठालाल सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठालाल बना था। ओके हाँ, और पोपट अंकल, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी बात पक्की हो जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो चलता हूँ, चलो चलो, पाउडर गली गुप्त धन सोसाइटी, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। बातों बातों में कैसे वक्त चला गया है पता ही नहीं चला। अरे अरे अरे, आप किसकी राह देख रहे हैं? अरे दया भाभी, किसकी राह देख रहे हैं? कौन आने वाला है? मैं पोपट भाई की राह देख रही हूँ।
अरे आप पोपट भाई की राह क्यों देख रही है? उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं आप? अरे पोपट भाई को मैरिज बोर्ड में सब फाइन आया था कि लड़की के परिवार वालों को पोपट भाई का वो बायोडेटा बहुत पसंद आया है। बायोडेटा? बायोडेटा। बायोडेटा? तो अभी होटल में लड़की वालों के साथ मीटिंग है, तो पोपट भाई के साथ मैं और टप्पू के पापा भी जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर पोपट भाई है कहाँ? अरे वही तो, मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। पोपट भाई ने कहा था कि वो 5:30 बजे आएंगे, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रुक गए। वहाँ टप्पू के पापा भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भाभी चलिए चले चले जल्दी चले, बहुत लेट हो गया। चलिए 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 चलिए, आइए आइए। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेचारे पोपटलाल कितने मासूम, कितने बेखबर, इस बात से अनजान है कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिए। भाई पोपटलाल ने बड़ी सक्सेसफुल एक्टिंग कर ली प्रोफेसर नलिनी के सामने, जेठालाल बन गए। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर है। ये जो नियति का स्क्रीन प्ले है ना, बड़ा कमाल का। इधर तो पोपटलाल ने बढ़िया एक्टिंग कर ली और इधर इसी प्रोफेसर नलिनी के साथ पोपटलाल का रिश्ता तय हो गया। अब जो अगला सीन है ना नियति के स्क्रीन प्ले का, बड़ा कमाल। ये प्रोफेसर नलिनी रिश्ते के लिए पोपटलाल से मिलेगी और साथ में होंगे असली जेठालाल। तो प्रोफेसर नलिनी जो पोपटलाल को जेठालाल समझती हैं, जब पोपटलाल को जेठालाल कहेंगी तो असली जेठालाल का क्या हाल होगा? सोचते रहिए भाई, बड़ा कमाल का टर्न है, ट्विस्ट है, लाफ्टर है, कंफ्यूजन है अगले एपिसोड में। अब तब तक ये सोचिए कि भाई जब दो दो जेठालाल होंगे तो क्या होगा। भाई होगा बहुत कुछ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ रह गया पोपटलाल, लेट मत करना, लेट मत करना, ऐसा बोल के खुद लेट है। इतनी देर में तो पार्टी को मिलके भी आ गया होता। टप्पू के पापा! रिंग भी बज रही है, दया की आवाज भी सुनाई दे रही है, क्या हो गया फोन को? अरे यार रिक्शा में! रुके रुके रुके, चलिए 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 टप्पू के पापा, जल्दी लेट हो गए, चलिए। अरे तो लेट किस वजह से हो रहा है भाई, मैं तो यहाँ 15-20 मिनट से खड़ा हूँ। सॉरी, वो जरा पोपट भाई को आने में थोड़ी देर हो गई। क्यों भाई, कहाँ अटक गया था? टप्पू की कॉलेज में, मतलब वो टप्पू की कॉलेज के पास में कुछ काम से गया था, वहाँ से लौटते वक्त बहुत ट्रैफिक था तो उसमें लेट हो गया। यार इतनी देर में तो मैं अपनी पार्टी को मिलकर आ भी गया होता। छोड़ो ना भाई, जो हो गया सो हो गया, चलो चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया। चलो 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 चलो, आ जा आ जा, आ जा चलो 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 भाई, जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया। ओहो मेरे बिरो से ही फोन है। हेलो हेलो पोपटलाल जी, आप कहाँ अटक गए हैं? नहीं नहीं, मैं ऑन द वे हूँ। पोपटलाल जी लड़की वाले टाइम के बहुत पक्के हैं और वो कब से सनराइज होटल में पहुँच चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। वो सॉरी सॉरी, वो थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। आप किसी भी तरह लड़के वालों को रोक के रखे, जाने मत देना। ओके ओके, मैं इनको इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन आप जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, अब सिर्फ 4 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके चल 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 भाई, जल्दी चल। बस बस इधर ना। हाँ बस बस बस, बराबर। चल कितना हुआ भाई? साहब 130 रुपये। अरे रुको रुको, मैं देता हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ भाई, रुको। नहीं नहीं भाई, आज तुम मेरे काम के लिए आए हो, तुम क्यों दोगे? मैं दूंगा। अरे पोपट भाई, हम लोग अलग थोड़ी ना है, आप पैसे दे या टप्पू के पापा पैसे दे, बात तो एक ही है ना। हाँ तो मैं दे देता हूँ। अरे ठीक है ना भाई, मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं जेठालाल, बिल्कुल आज दे। ठीक है, अभी इसकी इतनी इच्छा है तो देने दे। ये लो, साहब छुट्टा नहीं है। अरे दो ना भाई, तुम लोगों की वजह से पिछले कितने टाइम से मैं रिक्शा का पैसा दे ही नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। सॉरी जेठालाल। नहीं नहीं, 1000 का छुट्टा मेरे पास है, वो देता हूँ। है? हाँ हाँ, लेकिन तुमको दूंगा नहीं। ये गलत, ये दे देता। ये लो भाई। कुछ गलत नहीं है पोपट भाई। अरे टप्पू के पापा खड़े क्या है, पैसे दिए कि नहीं? अरे दे दिए, रिक्शा निकल भी गई। दे तो फिर चलो चलो, अभी कब तक यहाँ खड़े खड़े बातें करेंगे? चलो चलो, एक मिनट जेठालाल। मैं भाभी, एक रिक्वेस्ट है, अंदर लड़की वालों के सामने मेरी जितनी हो सके उतनी तारीफ करना। जैसे? जैसे वही सब जो तुम जानते हो, वही बोलना है कि मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, दिलदार हूँ, सोसाइटी में सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ। पोपट भाई, आपकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़की वाले आपको
अरे भाई लड़की वाले देखेंगे तभी ना जब ये अंदर जाएंगे, यहाँ खड़े रहेंगे तो कहाँ से देखेंगे। हाँ हाँ चलो भाई बहुत लेट हो गया। पोपटलाल जी अभी तक आए नहीं। जेठालाल हेलो पोपटलाल जी इतने इतने आ गए जी। वहाँ आजा। हेलो माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल और आप आहूजा जी करेक्ट। ओ बिल्कुल करेक्ट जी। माई सेल्फ आनंद आहूजा ये मेरी वाइफ प्रिया आहूजा। हेलो नमस्ते नमस्ते इनसे मिलिए। ये है मेरे पड़ोसी श्री जेठालाल चंपकलाल गढ़ा और उनकी धर्मपत्नी दया भाभी। ये दोनों मेरे सगे भाई भाभी से भी बढ़कर हैं। अच्छा अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना बैठिए आइए बैठो। आहूजा जी सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं आप। अभी अभी हमने हमारी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ फिक्स कर दिया। क्या आई एम जोकिंग जी मजाक कर रहा हूँ जी मजाक। काफी जानलेवा मजाक था भाई आपका हम तो डर ही गए थे। अरे इनको तो हर बात पे मजाक ही सोचता है। ओ जी हमने तो हमारी शादी भी मजाक मजाक में ही कर दी थी। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मजाक मजाक जोकिंग। अरे वही चार दिन की जिंदगी में 440 टाइप के तो टेंशन भरे होते हैं। भाई मेरा मानना ये है कि चार दिन में दो दिन हंस के और दो दिन मजाक करके गुजार देने चाहिए। क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भी यही फिलोसॉफी है कि भाई जिंदगी में हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। ये हुई ना बात। और वैसे मेरी माँ भी हमेशा कहती है कि जो इंसान हमेशा जीवन में हंसता रहता है ना तो उसे देख के टेंशन हंसते हंसते उसका साथ छोड़ देता है। दया भाभी आपकी माँ ने बिल्कुल पते की बात बताई है। और जेठालाल जी आपका क्या मानना है जी? सेम सेम मेरा भी यही मानना है। मेरा तो जीवन ही एक मजाक है। बड़े भाई साहब आपके जैसे ही है एकदम मजा क्या। ओए वाह जी वाह मजा आ गया जी मजा आ गया। ओ पोपटलाल जी बड़े नसीब वालों को ऐसे जिंदा दिल पड़ोसी मिलते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल इनको भी ऐसा ही लगता है कि इनको भी मेरे जैसा होनहार पड़ोसी मिला है। नहीं बड़े भैया? हाँ हाँ छोटे भैया बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ पोपटलाल जी ही नहीं हमारी सोसाइटी में हम लोग जो साथ में रहते हैं हम सब मतलब इतने मिलजुल कर रहते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम सब पड़ोसी है। ऐसा लगेगा कि हम सब बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। आप किसी को भी ले लो मेहता साहब अंजलि भाभी या हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े माधवी भाभी फिर रोशन सिंह सोढ़ी रोशन भाभी आती भाई कोमल भाभी हम सब। सिर्फ मेरी बात करो जेठालाल। हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा था गोकुलधाम सोसाइटी में इतने सारे पड़ोसी है लेकिन इनमें से किसी एक पड़ोसी को अगर बेस्ट पड़ोसी का अवार्ड देना हो तो किसे मिलना चाहिए दया भाभी? अरे वो किसे मिलना चाहिए क्या फुफड़ भाई आपको ही मिलना चाहिए। वाह क्या कैच पकड़ा है। तो खरे खर कहती हूँ पोपट भाई जैसे बढ़िया दिल वाले इंसान आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं टप्पू के पापा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे पोपट लाल जी इतने उलझे हुए हैं मेरा मतलब है इतने सुलझे हुए हैं और इतने खुले विचार वाले हैं कि महिलाओं के आत्मसम्मान की भी बहुत इज्जत करते हैं। चलो ये सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा जी। कहते हैं ना इंसान की सही पहचान उसके रिश्तेदारों से नहीं बल्कि पड़ोसियों से पता चलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे आपने तो इन लोगों को बातों में लगा दिया। अरे कुछ नाश्ता मंगाइए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मंगाइए जी क्या लेंगे आप? अरे नहीं 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 थैंक यू हम लोग नाश्ता करके आए हैं। अरे तो जूस पीजिए मिल्कशेक पीजिए ड्राई फ्रूट मिल्कशेक वेटर 5 ड्राई फ्रूट मिल्कशेक। आहूजा जी आपकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही है। जी बस वो आती ही होगी लेकिन वो आए उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। क्या है कि मैं बहुत साफ साफ बात करने में मानता हूँ जी। भाई हमने आपका बायोडाटा देखा हम दोनों को तो आप पसंद है लेकिन क्या है
मेरी बेटी आपसे फेस टू फेस मिलना चाहती है, इसलिए हम लोगों ने अब तक आपकी फोटो भी उसे नहीं दिखाई। भाई मेरी बेटी का मानना यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है जी, इसलिए ये मीटिंग रखी है जी। और हमारे लिए हमारी बेटी की पसंद ज्यादा मायने रखती है। हाँ जी, अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। हाँ जी। ओहो, मुबारक हो, तो पसंद है भाई। भाई हमारे हिसाब से तो आप हमारी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट हो जी। अरे बोलो, मुबारक हो पोपटलाल। थैंक यू। वैसे पोपटलाल जी, हमने तूफान एक्सप्रेस में आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं। आप काफी अच्छा लिखते हो। आप तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है पोपटलाल, मुबारक हो भाई। आपने मेरे आर्टिकल्स पढ़े हैं? ओए मैं क्या जी, मेरी बेटी भी आपके आर्टिकल्स पढ़ती है और पसंद भी करती है जी। आपकी बेटी भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ती है? हाँ जी बिल्कुल। अरे अभी बोला ना भैया बड़े, बेटी को भी आर्टिकल्स पसंद है। और मेरे आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस में ही छपते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटी भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ती है। अब हम वैसे आपकी बेटी का शुभ नाम क्या है? नलिनी। नलिनी, अरे वाह, मस्त, एकदम सुरीला नाम है। हाँ हाँ भाभी, वाकई सुरीला नाम है। लेकिन कहाँ रह गई वो? अरे बस बस आती होगी, घर से निकल चुकी है। अच्छा। तब तक आप जूस पीजिए। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, बिल्कुल। मिल्कशेक, मिल्कशेक लीजिए। ले ले जेठना, ड्राई फ्रूट। हाँ, एंजॉय जी, एंजॉय। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स जी, चीयर्स। लो जी नलिनी आ गई। वो पिंक ड्रेस वाली? नहीं नहीं, वो रेड ड्रेस वाली। नलिनी बहन बहुत सुंदर दिख रहे हैं। नहीं पोपटलाल के मुकाबले तो मतलब बहुत नसीब है पोपटलाल अगर हो जाए तो। अच्छा। ये है मेरी बेटी नलिनी। नलिनी बेटा, ये पत्रकार पोपटलाल जिसके बारे में मैंने बताया था ना। ये तो शर्मा रहा है। पोपट भाई, आप शर्मा क्यों रहे हैं? अरे भाई, जिस पल के लिए तुम आज ये सूट बूट पहन के तैयार होके यहाँ आए, वो पल आ गया है। और ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ी शर्मा रहे हैं। भाई, अरे पोपट भाई, अरे चलो अभी। पोपटलाल, चलो चलो। अरे पोपट भाई, भाई तुम्हारी इज्जत का तो ख्याल करो। पोपटलाल क्या कर रहे हो यार, बचपन में छोड़ो यार। पोपट भाई, अरे पोपट भाई, ये है हमारे पत्रकार पोपटलाल। वाह, ये पत्रकार पोपटलाल है? ये तो जेठालाल है। नहीं नहीं, जेठालाल मैं हूँ। नहीं नहीं, ये जेठालाल है। अरे मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं जेठालाल हूँ, ये पत्रकार पोपटलाल है। हाँ, ये पत्रकार पोपटलाल भाई है। हाँ बेटा, ये जेठालाल है और ये पोपटलाल है। पापा, ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये आदमी पहले से शादीशुदा है। क्या क्या बात कर रहे? ये जेठालाल शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी की सोच रहे हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे क्या बोल रही है दया, तुझे किसने बोला? नलिनी बहन ने भी बोला तो सही। अरे ओ बहन, आपको किसने बोला मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? मैं आपकी नहीं, इनकी बात कर रही हूँ। हाँ देख, ये पोपटलाल की बात। एक मिनट, पोपटलाल
तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो तो पहली शादी कब हुई? ये जेठालाल है, पोपटलाल नहीं। पूछिए इनसे कौन है ये, पूछिए। अरे बहन, जेठालाल मैं हूँ। अरे भाई पोपटलाल बोलो ना, मैं जेठालाल हूँ। मैं जेठालाल हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं जेठालाल हूँ और तुम पोपटलाल हो, ऐसा बोलो। मैं जेठालाल हूँ, तुम पोपटलाल हो। अरे ये क्या खेल खेल रहे हो पोपटलाल? अरे भाई ये पोपटलाल नहीं, जेठालाल है और इनका एक बेटा भी है। बेटा? इसका एक बेटा भी है? और वो कॉलेज में पढ़ता है। क्या सुन रहे पोपट भाई? आपको एक बेटा भी है और एक शादीशुदा भी है? ये तो कितने खुशी की बात है। इतनी अच्छी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? और इतने साल तक हम सब गोकुलधाम वासियों को बेवकूफ क्यों बनाते रहे कि मैं कुंवारा हूँ, मेरे लिए लड़की ढूंढो। ये तो अच्छा हुआ इनकी वजह से आज इसकी असलियत हमारे सामने आ गई, वरना तू भोली बहना जिंदगी भर इसके लिए लड़की ढूंढती रहती। वैसे कौन से कॉलेज में पढ़ता है इनका बेटा? एमके गांधी कॉलेज। टप्पू नाम है इनके बेटे का। टप्पू तो हमारे बेटे का नाम है। टप्पू आपका बेटा है? आप टप्पू की माँ है? मतलब आप दया भाभी हैं? और ये टप्पू के पापा है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ये कौन है? अरे ये बोला ना, ये पोपटलाल है, शादी के लिए आपको यहाँ देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, अब बात समझ में आई। वैसे नलिनी बहन, आप हमारे टप्पू को कैसे जानते हैं? क्योंकि टप्पू जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, एमके गांधी कॉलेज में। और आज टप्पू ने एक शरारत की थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ा था और मैंने उससे कहा था कि अपने पापा को लेके आओ कॉलेज में। तो ये शख्स टप्पू के पापा जेठालाल बनके मुझसे मिलने आया था। बोलो। अरे ये कहाँ गया? ये नीचे। पोपटलाल, मेरे होते हुए टप्पू का पापा बनके तुम क्यों गए थे कॉलेज में? अरे पोपट भाई बोलिए ना, बोल तो क्यों नहीं है? क्या बोल रहे हो भाभी? अरे जो भी सच है वो जल्दी से बोलिए, जल्दी। अच्छा, दरअसल बात यह है। भाई बाहर आके बयान दे, क्या ऐसे इधर घुटने? बारो। जेठालाल और दया भाभी, नलिनी जी सही कह रही है। आज कॉलेज में एक लेक्चर के दौरान टप्पू ने इन पर रॉकेट फेंका था। इन्होंने टप्पू को पकड़ लिया और उसका आई कार्ड ले लिया और कहा कि जब तक वो अपने पेरेंट्स को कॉलेज में लेकर नहीं आता तब तक उसे अपना आई कार्ड वापस नहीं मिलेगा। आप दोनों और चंपक चाचा को अगर ये बात पता चले तो आप लोग टप्पू को बहुत डांटोगे। इस डर से टप्पू ने आपको ये बात नहीं बताई और मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं टप्पू के पापा बनकर कॉलेज जाऊं। मैंने बहुत मना किया लेकिन उसने छाते की कसम दी तो मैं मना नहीं कर पाया और मैं जेठालाल बनकर कॉलेज चला गया। वहाँ पर नलिनी जी प्रोफेसर थी। मुझे क्या पता था कि जिस लड़की से मेरे रिश्ते की बात चल रही है वो लड़की है नलिनी जी है और मेरी यहाँ उनसे मुलाकात होने वाली है। ये टप्पू की शरारत बहुत बढ़ गई है, आज आने दे उसे घर पे, बराबर खबर लेता हूँ मैं उसकी। नहीं नहीं जेठालाल जी, टप्पू को मत डांटिएगा, रॉकेट उसने नहीं उड़ाया था, मैंने उसे गलती से पकड़ लिया था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं नलिनी जी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। नलिनी बहन, अब तो पोपट भाई को माफ कर दीजिए। अब तो आपको पता चल गया ना कि पोपट भाई का कोई बेटा भी नहीं है और उनकी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, उल्टा बेचारा बरसों से बहुत कुंवारा घूम रहा है। तो आप उनको माफ कर दीजिए और शादी के लिए जल्दी से हाँ कह दीजिए। सॉरी दया भाभी,
अभी मैं रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती हूँ। देखिए नलिनी बहन, हमने माना कि पोपट भाई की इसमें गलती है, लेकिन खरे खरे देखे ना तो इसमें पोपट भाई की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो हमारे बेटे टप्पू की वजह से हुआ, तो टप्पू की गलती की सजा आप पोपट भाई को क्यों दे रहे हैं? सच कहती हूँ, पोपट भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हमेशा सभी को मदद करते रहते हैं। हमारे टप्पू सेना के बहुत लाड़के अंकल है। प्लीज माफ कर दीजिए ना पोपट भाई को। पोपट भाई के रिश्ते के लिए मैं मेरी झोली फैलाती हूँ। प्लीज पोपट भाई को एक मौका दे दीजिए ना। दोस्तों नाचते गाते दूल्हे की बारात दुल्हन के दरवाजे पे पहुंचे और अचानक भीतर से दुल्हन का संदेश आया कि उसे शादी ही नहीं करनी, तो दूल्हे का क्या हाल होगा? वो जो सेहरा बांध के घोड़े पे दूल्हा बैठा है ना, बड़ा बुरा हाल होगा बेचारे का। वैसा ही हाल पोपटलाल का होने वाला। भाई पोपटलाल ने गुड फेथ में टप्पू की मदद करने के लिए अपनी स्थिति आ बैल मुझे मार वाली कर ली है। अब नलिनी से रिश्ता, अब सिर्फ दया भाभी और जेठालाल ही नलिनी को पोपटलाल से रिश्ते के लिए मना सकते हैं। अब ये रिश्ते के लिए मना पाएंगे या सारी दुनिया पोपटलाल से यही सवाल करेगी, भाई तुम्हारी शादी कब होगी? सारा दारोमदार नलिनी के जवाब पे, और ये पता चलेगा सोमवार को ये जवाब क्या होता है। क्या पोपटलाल कुंवारे के कुंवारे ही रहेंगे? भाई जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.